गाइज, आजकल छुट्टियों में रोज सुबह जब आप लेट उठते होंगे तो आपकी मम्मी या आपके पापा जरूर आपको ये कहते होंगे कि उठ जा, कब तक कुंभकर्ण की नींद सोता रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इस मुहावरे में बार बार माइथोलॉजिकली कुंभकर्ण का ही नाम क्यों लिया जाता है, क्या आप जानते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कहा यह जाता है कि कुंभकर्ण काफी ज्यादा शक्तिशाली राक्षस था, जिसने एक बार घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। उसके बाद जब ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा तो कुंभकर्ण दरअसल इंद्रासन मांगना चाहता था। गौर करिएगा, इंद्रासन। लेकिन ऐसा अगर हो जाता तो अनर्थ हो जाता, क्योंकि कुंभकर्ण साक्षात देवलोक पर कब्जा करना चाह रहा था। कहते हैं कि देवलोक को कुंभकर्ण से बचाने के लिए मां सरस्वती कुंभकर्ण के मुख पर विराजमान हो गई, जिसके कारण कुंभकर्ण के मुंह से इंद्रासन की बजाय निद्रासन निकल गया, जिसके बाद से वो हर 6 महीने में सोता ही रहा। गाइस, आपको ये माइथोलॉजिकल कहानी क्या पहले से पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारी परछाई क्या सच में हमारा साथ नहीं छोड़ती? लेकिन अब पूरी तरह से ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि 25 अप्रैल को 12:17 पर कुछ समय के लिए परछाई ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। जी हाँ गाइस, दरअसल इस घटना को खगोलीय भाषा में जीरो शैडो डे कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मुताबिक कर्क और मकर रेखा के बीच आने वाली सारी जगहों पर ऐसा हो सकता है और हुआ है। भारत के बेंगलोर शहर में इस साल जीरो शैडो डे देखा गया है, वो भी 25 अप्रैल को, जिस समय सन पृथ्वी के इक्वेटर पर यानी हमारे सर के ठीक ऊपर आ जाता है। उस समय किसी भी चीज की परछाई नहीं पड़ती और इसी घटना को जीरो शैडो डे कहा जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपने भी जीरो शैडो डे देखा था? क्योंकि मैं तो बेंगलोर से हूं तो मैंने तो देखा था। पर गाइस, वाकई में चीज कमाल की है और इस साल 18 अगस्त को फिर से जीरो शैडो डे दिखाई देने वाला है। आप इंतजार करिए और इस खगोलीय घटना को जरूर देखिएगा। ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में क्रिकेट का क्रेज होगा डबल जब आप खेलेंगे माय 11 सर्कल पर। आप भी अपनी टीम बनाओ और 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस पाओ। डाउनलोड माय 11 सर्कल नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।